अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आम के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, सबसे दरख्वास्त है कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो जल्दी जल्द मिल लें। देखें, ये एक सिंधड़ी आम है, ये सिंधड़ी आम है, ये देखें, ये अभी इसको तकरीबन 1 महीना होने वाला है और अभी ये छोटा है। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 1.5 महीने, 1.5 महीने के बाद ये बिल्कुल फुल रेडी होगा इंशाल्लाह। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये एक दूसरा आम है, ये चिट्टा चोरसा बोलते हैं इसको, चोरसा चोरसा बोलते हैं इसको। माशाल्लाह ये बहुत मीठा आम होता है। और ये देखिए, ये भी 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा और खाने के काबिल हो जाएगा माशाल्लाह। अभी ये थोड़ा कच्चा है, छोटा है, थोड़ा और पक जाएगा तो और मीठा भी बहुत होता है और इसका अचार भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आम, बहुत ज़बरदस्त आम। अभी सिर्फ 1 महीना है, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद यहाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये तकरीबन 8 एकड़ में ये बाग है और माशाल्लाह बहुत बहुत आला बाग है, बहुत ज़बरदस्त बाग है। अल्हम्दुलिल्लाह किसानों के लिए बहुत ही बहुत फ़ायदेमंद होता है और साल में माशाल्लाह अच्छी आमदनी दे देता है। उसके साथ साथ एक और आम भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये सबसे लेट होता है, ये बहुत लेट होता है, लास्ट तक रह जाता है ये आम। ये देखें, ये उगता तो उसके साथ साथ ही है, उसके साथ साथ ही बड़ा होता है दूसरे आमों के साथ साथ, लेकिन ये सबसे लेट में जो है ना पकता है। ये जो आम है, ये अलशीशन आम बोलते हैं, अलशीशन इसको बोलते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत ही मीठा आम होता है ये रेड और येलो में होता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो रेड और येलो में इसका कलर हो जाता है। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त आम है। ये देखिए, आइए मैं आपको वो आम दिखाता हूँ जो अचार के लिए इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह ये देखें, ये अचारी आम, खट्टा आम जिसको बोलते हैं हम लोग, ये अचार में इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसका अचार बनता है, तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी अचार होता है, बहुत ज़बरदस्त अचार होता है। ये देखें, ये अचारी आम है, ये देखें, ये अभी छोटा छोटा है लेकिन माशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये अचार के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो दोस्त अभी जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे इसके बारे में। ये देखें, ये भी एक अचारी आम है माशाल्लाह, ये भी एक अचारी आम है। ये देखें, पहले की निस्बत इस साल में थोड़ा आमों का जो है ना सीज़न, सीज़न तो बहुत है माशाल्लाह, ये सीज़न चल रहा है आमों का, लेकिन पहले की निस्बत इस बार जो है ना आम का जो फल है ना वो बहुत कम हुआ है। बहुत सारे ऐसे आम के दरख्त हैं जिनके ऊपर जो है ना जो आम का फल होता है वो बहुत बहुत कम हुआ है। बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो एक साल में एक बार फलते हैं, उसके बाद दूसरे साल में जो है ना वो दोबारा फलते हैं। एक साल में कोई एक एक साल में फलते रहते हैं, ऐसे होता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर फल नहीं लगता। ये देखिए, मिसाल के तौर पर भी ये बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर कुछ देखिए आम के छोटे छोटे अम्बलियाँ लगी हुई हैं, देखिए ये छोटे छोटे, और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आम लगे हुए हैं ये दरख्त के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो है ना आम नहीं है। तो कुछ ऐसे साइज जगह होती है जहाँ पर ये उग जाते हैं, कहीं पर जो है ना नहीं उगते। एक एक सीज़न सीज़न में होता है, कोई एक सीज़न में उगते हैं और कोई दूसरे सीज़न में उगते हैं। ये देखें दोस्तों, ये भी एक अचारी आम है, ये भी एक अचारी आम है माशाल्लाह। ये देखिए, और इसके अपोजिट साइड में भी एक आम अचारी आम है, लेकिन वो इस बार इस पौधे के ऊपर फल नहीं लगा, इसके ऊपर माशाल्लाह फल लगा हुआ है, बहुत अच्छा फल लगा हुआ है माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। प्लीज़ आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ये मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और उसके बाद जो है ना सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।